हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गोलगप्पे। इसके लिए हम पहले अपना ग्रीन वाटर डालेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, धनिया पत्ता, मिर्ची, लहसुन, अदरक और स्पेशली मिर्च डालकर हम इन सबको क्या कर लेंगे, ग्राइंड। इसके साथ ही आप चाहें तो ऑनियन भी डाल सकते हो। ऑनियन जो क्या है वो ऑप्शनल है। सो अब हमने इसमें डाला क्या, वैसा धनिया, लहसुन, अदरक और अपना पुदीना और ऑनियन, ये डाल के हमने इन सबको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। जब आप इसको ग्राइंड करने लगोगे तो आप इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर सकते हो, जिससे क्या है जो आपका पानी का मिक्सर जल्दी ही ग्राइंड हो जाएगा। अब आप इसको ग्राइंड कर लीजिए अच्छी तरह ढक्कन लगाकर। अब आप देख सकते हो हमारा मिक्सर तैयार हो चुका है, उसे हमने बाउल में निकाल लिया है। अब ये मिक्सर में हम थोड़ा सा वाटर ऐड कर सकते हैं, जो बचा हुआ था जार में उसको भी ऐड कर लिया हमने इसमें। फिर हमने क्या करना है, इसमें डालना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इसमें डालना है। पहले सबसे पहले हम इसमें इमली का पानी डालेंगे, जो हमने इमली का पानी अपने पहले ही बना के रख लेना है काफ़ी सारा। वो अपने अकॉर्डिंग टेस्ट अकॉर्डिंग डालेंगे, आप कितना खट्टा रखना चाहते हैं। इमली का पानी डालेंगे इस पानी के अंदर। उसके बाद हम अपने अगले मसाले इसमें डालेंगे। इमली का पानी डालने के बाद हमने क्या करना है, इसमें नींबू का रस भी निचोड़ लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए आपने कितना, नींबू से अलग ही इसमें एसेंस आता है, उसका टेस्ट ही बिल्कुल अलग हो जाता है। मैंने यहाँ छोटे छोटे 3 नींबू लिए हैं, उनको इनमें निचोड़ लिया है। आप भी कुछ ऐसे ही करें। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा बनता है ये गोलगप्पे। इसमें कोई मैंने जल्दी वाली कुछ नहीं यूज़ किया, ऐसा ही वही घर के इंग्रेडिएंट्स से ही मैंने ये सब तैयार किया है। इसके बाद आपने ये सब करने के बाद आपने देख लेना, इसमें चाट मसाला डाल लेना है। चाट मसाला डालना है जब अपने अकॉर्डिंग डाल लेना है। अगर आप जलजीरा डालना चाहते हो तो जलजीरा भी ऑप्शनल है, और ज़्यादा हमारे घरों में हाजमला रहता है, इसको हाजमला भी उसकी भी 2-3 गोलियाँ डाल सकते हो, उसका भी टेस्ट लगाएगा। इसके बाद आपने नॉर्मल सॉल्ट की जगह इसमें ब्लैक सॉल्ट डालना है, काला नमक डालना है। काला नमक इसको बिल्कुल अलग ही टेस्ट देता है। इसमें काफ़ी सारा नमक जाएगा, क्योंकि आपने जितना पानी बनाया उस अकॉर्डिंग अपना नमक रख लीजिएगा। फिर इसको स्टर कर लेंगे हम। इसके बाद हम इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम चीनी ऐड करेंगे, चीनी को ऐड कर देंगे, उसको स्टर कर देंगे। अपने अकॉर्डिंग चीनी रख लीजिए, कोई मीठा ज़्यादा पसंद नहीं करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद हम इसमें इसको अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। स्टर करने से ये सारे मसाले आपस में मिल जाएंगे। देखिए पहले से इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है, और ये कुछ ज़्यादा पतला भी नहीं ठीक है। इसके बाद हम इसमें पकौड़ियाँ डाल लेंगे, दही वाली पकौड़ियाँ, कितनी तरह की आती है वो डाल सकते हैं आप। इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, सीक्रेट इंग्रेडिएंट सीक्रेट नहीं था, बस ये मस्ती के लिए बोला मैंने। इसके अलावा आपने इसमें मैंने रिकॉर्ड किया, सॉरी वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ, आप इसमें हिंग भी डाल सकते हो। हिंग मतलब वो टेस्ट चेंज कर देगी हिंग इसका। आप इसमें हिंग भी डालोगे, मैंने डाला था पर मैंने वीडियो में रिकॉर्ड नहीं किया। देखो आपका हरा पानी बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब इसे फ्रिज में रख दीजिए तैयार होने के लिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा भी कर लेंगे। इनको इसको स्टोर करके जब तक आपके गोलगप्पे नहीं बनते, इसको स्टोर करके आप फ्रिज में 3-4 दिन भी रख सकते हैं। इसके बाद हम तैयार करेंगे इमली का पानी। उसके लिए हमने क्या करना है, इमली वही जो हमने पहले भिगोई हुई है वो इमली ले लेनी है, ज़्यादा सारी इमली का पानी ज़्यादा सारा ले लेना है हमने। अपनी बड़ी हमने कितना बनाया, क्योंकि मीठा पानी हमने कम ही बनाना होता है, हरे वाला ही ज़्यादा होता है। इसलिए हम ये पानी इकट्ठा कर लेंगे। ये सिंपल है, उससे ज़्यादा सिंपल है इसमें, क्योंकि इमली का पानी ही लगता है ज़्यादातर। अब इसमें हमने जो सीक्रेट एक चीज़ ऐड करनी है, वो आप उसकी जगह कुछ और भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने ऐड करना है पहले तो हिंग डालनी है, जो पहले पहले मैंने आपको बताया नहीं था, दोनों ही आपने हिंग ऐड करनी है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। एक तो हिंग से अच्छा रहता है, टेस्ट अच्छा रहता है, पेट भी अच्छा रहता है। फिर जो हमने इसमें गुड़ ऐड करना है, गुड़ की जगह आप शक्कर भी ऐड कर सकते हो और चीनी भी ऐड कर सकते हो, गुड़ ज़्यादा बेटर है। इसमें काला नमक डालेंगे, फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग काला नमक डालेंगे इसमें। सॉरी मेरा नमक निकल नहीं रहा था। अब ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट की जगह दूसरा भी सॉल्ट ऐड कर सकते हो, तो काले नमक का टेस्ट जो होता है बिल्कुल ही अलग आता है। इसके बाद मैं इधर उधर भागती हुई ब्लैक पेपर लेकर आई हूँ काली मिर्च, जो कि इसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग ले जाएगा। इसमें थोड़ा सा तिखापन लाएगा वो। मैं तो बहुत सारी काली मिर्च ऐड करती हूँ, हर चीज़ में अच्छी लगती है वो, और पेट के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसे स्टर कर लेंगे अच्छी तरह, गुड़ को अच्छी तरह इसमें पिघला लेंगे हम, इसको तोड़ के या कुछ ऐसा भी करके। फिर थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे, क्योंकि उम्मीद का पानी ऐसे बहुत खट्टा है, इसलिए हम बिल्कुल करने के लिए पानी ऐड कर लें इसमें। अच्छी तरह स्टर कर लेंगे इसको। काफ़ी टाइम करने के बाद इसकी जो ये जो है गुड़ है वो इसके अंदर ही मेल्ट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। इसमें हम पकौड़ियाँ डाल देंगे। मैं एक मीठी चटनी बनाने वाले हैं, ये हमारा चटनी। इसमें हमने जो पानी इमली वाला पानी एक और बचा कर रखा था वो डालेंगे। इसको थोड़ा स्टर होने देंगे, फिर हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड़ से इसमें थिकनेस आएगी। इसके साथ ही आपने शुगर भी ऐड कर लेनी है, ठीक है। और मैं इधर उधर घूमती हुई बातें करती हुई इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। फिर इसमें मैं शुगर ऐड कर रही हूँ, कुछ शुगर ऐड कर लेंगे। शुगर और गुड़ से क्या होगा, एक तो इसमें मिठास आएगी और दूसरा ये अच्छा होगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा फूड कलर। एक्चुअली मैं फंड गया ना, इसलिए आपको सारे ये वर्ड्स अल्फाबेट उल्टे दिख रहे हैं। इसमें फूड कलर डालेंगे, फूड कलर से इसका कलर बिल्कुल ही नेचुरल आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इसको स्टर करेंगे, जस्ट स्टर 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 स्टर, और अच्छी तरह बॉयल आने तक इसकी वेट करेंगे। इसमें जो गुड़ है वो अपने आप ही अच्छी तरह ही
मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, सॉल्ट पर टू टेस्ट, क्योंकि हमने ये इसको पतला नहीं रखना, सन्नी हो जानी है इसमें, तो गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए हम इसमें सॉल्ट और रेड पेपरिका डाल देंगे और इसको स्टर कर लेंगे। इसका कलर आप देख लेना, थोड़े ही टाइम में बहुत ही चेंज हो जाएगा। हमने इसको स्टर करते जाना ताकि जो गुड़ है, चीनी है, सब कुछ आपस में अच्छी तरह ही मेल्ट हो जाए। हम गुड़ को तोड़ कर अच्छी तरह आप जैसे चाहें इसको कर लें, बट ध्यान से करें जो भी करें, और इसकी स्पीड हाई फ्लेम पर करके इसको पकने के लिए छोड़ दें, जिससे ये क्या है थिक हो जाएगा। इसमें देखिए पहले से बॉयल आने लगा, उसका कलर भी चेंज हो। मैंने ये बाहर गैस में डाल दिया, 5 मिनट मैं बोल रही हूँ, तो 5 मिनट तक वेट कीजिए इसको थोड़ा स्टीम, इसकी जो है फायर को इसी रखने से। हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। हमने क्या करना है, इसमें मगज डाल देनी चाहिए, मगज बोले तो दिमाग नहीं, मैं मजाक कर रही थी। इसमें हमने मगज डाल दिया और मैं अंगूठा दिखा रही हूँ, मतलब कि बन चुकी है। अब नेक्स्ट मैं करने वाली हूँ इसका गोलगप्पे का डो तैयार करना। इसमें मैंने सूजी डाली है, 1 कप सूजी ली है मैंने, सूजी मैंने तो इसके बाद देखो मैंने पाउडर गिरा दिया, बेकिंग पाउडर गिरा दिया मैंने काफ़ी सारा। आपने ऐसी चीज़ें नहीं करनी, ये मैं उड़ा रही हूँ, ध्यान रखें, हो जाता है कभी कभी। और इसको हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह वेल मिक्स कर लेंगे। ये मेरा हाथ लेफ्ट आ रहा है क्योंकि ये सेल्फी वाला है, फ्रंट कैम है, पर मैं राइट हैंड से। इसमें मैं कुछ रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। आपने रिफाइंड ऑयल उतना डालना है कि जो सारी सूजी है वो आपस में मिक्स हो जाए, उन सब में ही इक्वली ऑयल स्प्रेड हो जाए, इक्वली लग जाए। देखो इसका इस क्वेश्चन को करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, तो आप इसको लगातार कर ले। इसके बीच में ही मेरे को एक फ़ोन आ गया था, मैं फ़ोन पे बातें करने लगी थी। मैं लोगों को काफ़ी ध्यान से मसला देखिएगा, इसमें सारा ही रिफाइंड इक्वली लग चुका है। दूसरा हाथ मेरा बिजी है फ़ोन में इस वक्त, तो मैंने इसको अच्छी तरह डोको कर लिया है। देखिए आपने ये इकट्ठा ऐसा, आपने ऐसा बनाना है इसको, रिफाइंड की क्वांटिटी ऐसी हो कि जब आप इसको एक अपने हाथ में लो ना, तो उसकी बॉल बन रही हो, तो मेरी ये बॉल बन रही है, मैं वही चेक कर रही हूँ बार बार। आपने उसको ऐसा ही वेट करना है, ठीक है। मैं ऐसा उसको अच्छी तरह भून लेना है, आपने भी ऐसे करना तभी अच्छा बनेगा। उसके बाद देखिए इसमें मैंने पानी डाल के इसको अच्छी तरह गुन लिया। पानी जो आपने लेना है, गुनगुना नहीं लेना, उससे थोड़ा सा तेज लेना है, मतलब कि गर्म पानी लेना है, ऐसा पानी लेना जिसमें आपका हाथ जाए। देखिए आपका डो कुछ ऐसा हो जाएगा। आपको इसको 5 मिनट के लिए नीट करना है, उसके बाद इसकी अच्छी सी बोर्ड बना के इसको क्लीन फील या किसी भी कपड़े में, अच्छे कपड़े में डालकर पूरे 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। कितने मिनट के लिए, 10 मिनट। इसको मैंने क्लीन फील में इसे कर लिया, देखिए ये बच्चा दिखाता हूँ कि ये क्लीन फील होता है, इसमें डाल के आपने इसको 10 मिनट के लिए रख देना है। मैंने इशारा किया कि 10 मिनट के लिए इसको रख देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके जो है पेड़े कर देने हैं, जो हमारा आटा तैयार है 10 मिनट के बाद। मेरी नेल बट को इग्नोर करें क्योंकि मैं काम करती हूँ, इसलिए वो उतर जाती है, ठीक है। इसका हम पेड़ा कर लेंगे अच्छी तरह, मैं आपको धीरे धीरे दिखा रही हूँ, ठीक है। आप चाहें तो इसको मैं बाहर बैठी इसलिए चक्कर पे कर रही हूँ, आप किचन में जाकर शेल्फ के ऊपर करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। उस पर अच्छी तरह आप बड़ा पेड़ा लेकर बड़ी सी रोटी बना सकते हो। या इसको आपने अच्छी तरह कर लेना है। मेरी पहली गलती क्या थी, मैंने इसको बहुत ज़्यादा पतला रखा था, जिससे कि वो ज़्यादा अच्छी फुली नहीं, जो थोड़ा सा मोटा बेस होता है ना रोटी का, जो पूरी की रोटी होती है वो बड़ा होता है। इसके बाद मैंने इसको कटर के साथ या कोई भी ऐसे ढक्कन, किसी ढक्कन के साथ इनको इक्वली काट लिया है। ऐसे देखो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने काट लिया है। उसके बाद हम इन सबको निकाल लेंगे, थोड़े कुछ नहीं, फिर हमने इसको इनको निकाल के पूरी को साइड में रख लेंगे। जो बचा हुआ आटा होगा हम उसका दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इसमें से सारे पूड़ियाँ लटक गई हैं, उनको आप दोबारा से उतार लें, नीचे उतार लें, ठीक है। इसको थोड़ा आप लंबा खींच सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है, जैसा ही नेचुरल है उसको वैसे ही छोड़ देना। हमने इसको ऐसे कर लिया, हम ऐसे ही सारी पूड़ियाँ ले लेंगे, उनको लाइन वाइज टिका कर रखेंगे। ऐसे हम अपनी सारी पूड़ियाँ ही तैयार करके रख लेंगे। वैसे बन चुकी है, मैं थोड़ा स्ट्रेच करके इनको रख रही हूँ, ठीक है, फिर इसी शेप में आती हैं। इसके बाद बाकी आटे को भी हम ऐसे ही करके तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसका गोला बना के हम इसको तैयार कर लेंगे। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप की बता रही हूँ कि गिलास के साथ आप कर सकते हो। देखो ये थोड़े बड़े बन गए, पर ठीक है चलेंगे, ये भी जो ज़्यादा मांग के उनको बड़े वाला दे देना, बोलना भाई तू तेरे को बड़े वाले मिले तो ज़्यादा नहीं खाएगा। इसके बाद अलग अलग डिफरेंट ढक्कन से इसका बना सकते हैं, ये देखिए जैसे मैंने किया है, या आप किसी भी ढक्कन से कर सकते हैं। तो आपने ये सेल्फ मैंने किया है, सेल्फ में क्या होता है कि आप आटे को ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हो। आटे को स्प्रेड करने से क्या होता है, आपको बार बार बेलना नहीं पड़ता, क्योंकि सब इसमें सबसे टफ काम होता है तो आटे को बार बार बेलना होता है। जैसे आपकी बात देखते हैं घर में आपके जितने भी बेले लोग हैं जिन्होंने बाद में खाने आना है, उनको लगाओ काम, बोलो कि ये काम करो आप, ठीक है। इसके साथ ही आपने साइड में क्या कर देना, आलू बॉयल करने छोड़ देने हैं। आलू बॉयल करके उनका मसाला सिंपल है भाई, वो नहीं मैं बताऊंगी, आपने सिंपल करके आलू उबाल लेने, उसमें प्याज काट लेना, धनिया काट लेना, मिर्च काट लेनी है, उसमें चने डाल के क्या करना है उसको मिक्स करके उसमें चाट मसाला नमक काली मिर्च डाल के उसको उसका मसाला बना लेना साइड में। ये क्या हो गया, हमारे गोले निकल गए हैं, पूरी तैयार है, देखा कितना अच्छा निकला। ये सभी को आप ज़्यादा क्या करें कि इन सभी को ही ऐसे ही रख लेना, मैंने थोड़ा थोड़ा इनको खींच कर स्प्रेड किया है, आपने ऐसा कुछ नहीं करना। देखिए इतनी अच्छी बनी है ये, ऐसे ही आपने इनको फिर क्या करना है, फ्राई कर लेना, इनको आपने इकट्ठे करके एक जगह पर रख लेना है।
एक प्लेट में रख लेना, साथ में आप जब तक ये बेल रहे साथ में आपने साइड पे अपना ऑयल गर्म करने को छोड़ देना। देख मेरा ऑयल गर्म हो गया, इसमें मैं आपको एक पूरी डाल के बताती हूँ कैसे खुलेगी। देखिए